हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कढ़ी। अंडा कढ़ी बनाने के लिए हमने लिए है 7-8 अंडे, हमने लिया है कटा हुआ प्याज, और हमने लिया है टमाटर, और उसके साथ हमने लिया है थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन। मसालों में हमने लिए हैं साबुत मसाले, और यहाँ हमारे पास है देगी मिर्च, और ये हमारे पास घर में पीसे हुए मसाले हैं, और 4-5 हरी मिर्च हैं, और ये हमारे पास दही है, और ये काली मिर्च और काली इलायची का पाउडर है, हल्दी है और थोड़ा सा नमक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अंडा कढ़ी बनाना। सबसे पहले हमने गैस ऑन करके और पैन में तेल डाल के इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें साबुत मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इससे क्या होगा कि प्याज अच्छे से गल जाएंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, और हम साथ में इसमें ऐड करेंगे लहसुन। अब इसको भी 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। लहसुन, अदरक और प्याज के ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। अभी के लिए हम अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। बढ़िया ग्रेवी के लिए अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे, और फिर हम चेक करते हैं कैसी है हमारी ग्रेवी। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम अंडों को पहले फ्राई कर लेंगे, देन उसके बाद हम ग्रेवी और अंडों को अच्छे से बनाते हैं। अंडे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, देन उसके बाद हम ग्रेवी में डाल देंगे इसको। अंडे फ्राई होने के बाद हम उसी पैन में ग्रेवी डालेंगे, देन उसके बाद हम अंडे डालेंगे। आगे के प्रोसीजर में हम अब इसमें हल्का सा जीरा डालेंगे। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। ग्रेवी डालने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और हम इसमें ऐड कर लेंगे कड़ी पत्ता। हमारी ग्रेवी पे अच्छे से कलर आ गया है, और दिखने में भी काफ़ी टेस्ट लग रही है। अब हम हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे इसमें, जिस जार में हमने ग्रेवी को ग्राइंड करा था उसी जार में हल्का सा पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रेवी को 10 मिनट के लिए पकने देंगे, देन उसके बाद जो इसका ऑयल होगा और मसाले सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद हम कलर चेक करते हैं ग्रेवी का कैसा बनता है। ग्रेवी बनने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के लिए हमें सबसे पहले ग्रेवी को ठंडा करना पड़ता है। अगर हम गर्म ग्रेवी में दही डालेंगे तो ऐसे दही फट जाता है। अब हम दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद हम इसको अभी 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे, देन उसके बाद हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे थोड़ा सा। हल्का सा बॉयल आने के बाद हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अंडे। अंडे डालने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। अभी हमारी ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे।